फिल्मोरा 30 में अपनी वीडियो को एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट करते वक्त कौन सी ऐसी सेटिंग को रखना चाहिए जिससे हमारी वीडियो की क्वालिटी लूज ना हो, चाहे हम लोग उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें, इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करें या टिकटॉक के ऊपर अपलोड करें। सबसे पहले वीडियो को कम्प्लीट एडिट करने के बाद आप लोगों ने ऊपर यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से आप लोगों को सेटिंग शो हो जाएंगी। आप लोगों ने सबसे पहले अपनी वीडियो को यहाँ पर नेम दे लेना है, लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी जहाँ पर आप लोग इसको सेव करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर मेन काम आता है हमारा इस सेटिंग के अंदर। सबसे पहले तो क्वालिटी आप लोगों ने रिकमेंड को सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप लोग हाई क्वालिटी और HD क्वालिटी को चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों ने हायर क्वालिटी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद रेजोल्यूशन आप लोग जो रखना चाहते हो 1920x1080p 4K। और उसके बाद फ्रेम रेट्स कितने यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो। अगर आप लोग अपनी वीडियो को फुली स्मूथ चाहते हो, एक एक सेकंड के अंदर 60 फ्रेम आ जाए तो आप लोग 60fps को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ी सी देखने के अंदर बेटर फील हो और थोड़ी सी रियल भी लगे तो आप लोग 24 से लेकर 30fps के दरमियान आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हो। मैं 25 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग बिटरेट मोड को आप लोगों ने CBR के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने अपने मोबाइल से या अपने कैमरा से वीडियो को शूट किया और वो 4K के अंदर है तो उस वीडियो को जब आप लोग देखोगे हाई क्वालिटी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने उसी प्रोजेक्ट या उसी वीडियो के अंदर किसी लो क्वालिटी वीडियो को ऐड किया है जिसकी रेजोल्यूशन 1080p है या उससे भी कम है तो उसका बिट रेट आप लोगों को कम देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर टू उस 4K रेजोल्यूशन वाली वीडियो के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग VBR को सिलेक्ट करोगे, अगर आप लोग CBR को सिलेक्ट करोगे तो जो आप लोगों ने बिट रेट यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा वही सेम बिट रेट आप लोगों को आप लोगों की उस वीडियो के ऊपर कम्प्लीट अप्लाई हो जाएगा। चाहे आप लोगों ने इसके अंदर 4K वीडियो को यूज किया है, 1080p को यूज किया या 720p को यूज किया, जितनी भी रेजोल्यूशन होगी वो कोई मैटर नहीं करेगी अगर आप लोग कॉन्स्टेंट बिट रेट को यहाँ पर आकर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आता है कंप्रेशन क्वालिटी। आप लोग इसको जितना ही हाई रखोगे उतनी ही आप लोगों के वीडियो के अंदर डिटेल्स ज्यादा आएंगी और आप लोगों की वीडियो को एक्सपोर्ट होने में भी काफी देर लग जाएगी। और ऑडियो वाली सेटिंग्स को आप लोगों ने इसी तरह रहने देना है। तमाम सेटिंग्स को आप लोग एज अ प्रीसेट भी यूज कर सकते। सिंपली आप लोगों ने सेव एज प्रीसेट के ऊपर क्लिक करना है, इसको यहाँ पर रीनेम कर लेना है। रीनेम करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसको सेव कर देना। फ्यूचर में जब भी आप लोगों ने इसी सेटिंग के ऊपर किसी वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप लोगों ने प्रीसेट वाले ऑप्शन के ऊपर आकर जो भी प्रीसेट आप लोगों ने यहाँ पर सेव किया होगा वो आप लोगों के यहाँ पर शो होगा। आप लोगों ने सिंपली उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट का बैकअप लेना चाहते हो मोड़ा के क्लाउड के ऊपर तो सिंपली बैकअप टू क्लाउड के ऊपर क्लिक कर देना, तो आप लोगों का बैकअप फिर मोड़ा के क्लाउड के ऊपर अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद इनेबल GPU एक्सेलरेशन को अगर आप लोग ऑन कर दोगे तो ये आप लोगों के ग्राफिक कार्ड की पावर को यहाँ पर यूज करेगा और आप लोगों की वीडियो काफी जल्दी यहाँ पर एक्सपोर्ट होकर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों को आज की इस वाली वीडियो से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाकी और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।